आगे बढ़ते हैं, बूंदी से बड़ी खबर है। पीएम विश्वकर्मा योजना का केंद्र संचालक उड़ा रहे मखौल, केंद्र पर सोते हुए मिले परीक्षणार्थी। परीक्षण के नाम पर की जा रही खाना पूर्ति तो मौके पर नहीं मिला कोई प्रशिक्षक। 7 दिन का दिया जाता है विभिन्न ट्रेड का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के बाद लाभार्थी के खाते में आते हैं 4,000 रूपए। राजलवता पेट्रोल पंप के पास संचालित है प्रशिक्षण केंद्र, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं जहां पर परीक्षणार्थी सोते हुए नजर आए हैं। बूंदी में पीएम विश्वकर्मा योजना का केंद्र संचालक किस तरह मखौल उड़ा रहे हैं, इन तस्वीरों से जरा समझिए, इन तस्वीरों को जरा देखिए। केंद्र पर ये सोते हुए परीक्षणार्थी मिले हैं, परीक्षण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। कमलेश हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। कमलेश, तस्वीरें सामने आई और परीक्षण के नाम पर सिर्फ सोया जा रहा है, अब इस पर कुछ एक्शन हो रहा है? देखिए, ये एक मामला सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्र जो की रजलावता पेट्रोल पंप के पास सेलवा में संचालित है, यहाँ संचालक द्वारा केवल खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि इसमें 7 दिन तक प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न ट्रेडों का प्रशिक्षण देना था और वहाँ केवल खाना पूर्ति करते हुए जो प्रशिक्षणार्थी है वो सोते हुए नजर आए। और जब हमने जाके देखा तो प्रशिक्षक मौके पर मौजूद नहीं था और जो लाभार्थी थे उनको लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। इस चक्कर में केवल वो वहाँ आकर खाना पूर्ति करते हुए केवल उनको सुलाया जा रहा है और सोने के साथ ही बस उनको सोचवाते हैं, उनके साइन और उनका जो प्रेशन है वो लेके उन्हें भेज दिया जाता है। वहाँ जो हम जो प्रशिक्षण लेने आए थे उनसे भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, मौके से सब भाग गए। इस तरह से जो प्रधानमंत्री बहुउद्देश्य योजना नहीं मिल पा रहा है, किस तरह से प्रशिक्षण लोगों के साथ इस तरह का ठगी की जा रही है, इसे ठगी कहेंगे क्योंकि लोगों को ना तो प्रशिक्षण दिया जा रहा है और खाना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कमलेश। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं जयपुर से बड़ी